हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंग्लिश सेक्शन। तो हम इसमें इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एरर करेक्शन, डबल फिलर और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी भारत में एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक स्टेट PSC और पटवारी और जो भी लोअर टू हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चंस भी फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल है। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस सेक्शन में एरर है। आपको फाइंड करना है ए में एरर है, बी में एरर है, सी में या डी में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, सचिन वाज सीनियर टू चंदन इन कॉलेज। तो सचिन जो था वो चंदन से सीनियर था। आपको फाइंड आउट करना है इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, देर इज़ नो एरर, क्योंकि जो भी सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, इनके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है तो टू प्रेपोजिशन यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें, जिसके लिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनके आप नोट्स बना लें साथ साथ में। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो टू प्रेपोजिशन यूज़ होती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं था। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे अगर आप वहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चन अगर एरर डिटेक्शन किया तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई एरर नहीं होता, नो एरर होता है। वो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना ही ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला इज सिचुएटिंग 2270 मीटर अबव द सी लेवल। तो शिमला, इसमें आपको बताना है कि शिमला जो है वो 2270 मीटर अबव द सी लेवल है। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप HP से बिलोंग करते हैं और आप, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं GK के हिसाब से, कि जो शिमला है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2270 मीटर है। तो एक क्वेश्चन आपका GK का भी रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा शिमला इज सिचुएटेड, सिचुएटेड यूज होगा इन प्लेस ऑफ सिचुएटिंग। तो एरर जो था वो बी पॉइंट में था, तो बी पार्ट वाज कंटेनिंग एरर, तो शिमला इज सिचुएटेड आएगा इसमें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेयरमैन अलोंग विद हिज टीम आर वर्किंग वेरी हार्ड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। तो फ्रेंड, द चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन आप देखोगे सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ जो वर्ब यूज होगी वो इज यूज होगी। अगर यहाँ पे द चेयरमैन होता देन ये आर सही था। तो फ्रेंड्स, द चेयरमैन अलोंग विद हिज टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड टू लॉन्च द प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट हम आपको इन डिटेल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करने से पहले आपको मैं बता दूं, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आपको कोई भी PDF चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @StreetStudy पे को फॉलो करें। वहाँ पे हम इस जो भी हमारी वीडियो है इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ पे इस PDF को सेव करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कोई भी वीडियो अपडेट चाहिए कि हमारी वीडियो कब आएगी उसके लिए आप हमें Instagram पे फॉलो करें, StreetStudy 24x7 लिखें, आपको ये वाला लोगो देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर दें। तो आप हमें Instagram और Telegram पे दोनों पे फॉलो कीजिए। होने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आप में, जो भी आप नेक्स्ट इन फ्यूचर एग्जाम दोगे, आप देखोगे बहुत से क्वेश्चन हमारे वीडियो में से एज इट इज़ ही आएंगे, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत डीप एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को रेडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज हर हु वाज रनिंग इन द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एरर है दैट इज इन द ए पार्ट, तो आएगा इट वाज शी, तो इट वाज शी हु वाज रनिंग इन द ग्राउंड। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इट वाज हिम होता तब भी ये एरर होता, क्योंकि वहाँ पे आना था इट वाज ही। तो फ्रेंड्स, आपको मैं हर तरह से रेडी कर रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और जितना भी कंपटीशन वाला टाइम है उसमें आप अच्छे से अपनी एक जॉब सिक्योर कर लें, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब मिलने से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है 90-95% वो ईजिली ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ लिकर। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द के साथ जो भी
पॉइंट आएगा वो आपको इसमें फाइंड करना। तो फ्रेंड्स वन ऑफ द के साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी, तो वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ लिकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैबिट की जगह हैबिट्स आएगा, दैट इज हैबिट्स। सो एरर वाज इन द सेक्शन बी। आई विल पुट ऑन ए नोट, दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जब कहीं आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो आपको किसी सीनियर मैनेजमेंट से काम करवाना होता है, जैसे आपको चाहिए कि वहाँ पे जो भी सीनियर मैनेजमेंट है वो आपकी बात सुने, तो आप एक नोट पुटअप करते हो। तो जैसे राइट टू द सीनियर मैनेजर, टू द चीफ मैनेजर, तो आप क्या करते हो, एक नोट पुटअप करते हो। तो वहाँ पे पुट ऑन ही यूज होगा, जो प्रेपोजिशन यूज होगी आई विल पुट अप। तो आई विल पुट अप ए नोट ऑन दिस इशू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज होती है पुट के साथ, वो पुट अप होती है जब भी कभी आप कोई नोट किसी सीनियर मैनेजमेंट या किसी अथॉरिटी, सपोज करो आपने अपने ग्राम में ग्राम पंचायत के पास कुछ नोट पुट अप करना है, लाइक कि आपके वहाँ पे सड़कें पक्की बनवाने के लिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक नोट पुट अप करोगे, पुट ऑन नहीं आएगा, पुट अप आएगा। तो फ्रेंड्स एरर वाज इन द सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टर प्रेफर्स कबीर्स प्लान देन गिवन बाई अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी में एरर है फ्रेंड्स। क्या एरर है, द डायरेक्टर प्रेफर्स, प्रेफर्स के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज होगी, प्रेफर्स के साथ यूज होगा टू। मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रेफर, सीनियर, यूनियन, प्रायर, इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो टू यूज होती है। तो सो द डायरेक्टर प्रेफर्स कबीर्स प्लान टू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देर आर मैनी वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी एंड मेकिंग प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत से क्वेश्चन आपको 1 to 5 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं एरर के, तो 1 क्वेश्चन आपको नो एरर का मिलेगा। वो आपकी खुद की प्रूडेंस है, आप कितना न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो, आप कितना हमारे साथ जुड़ते हो, आपको कितना इंग्लिश की नॉलेज इन डेप्थ होती है, वो सब पॉइंट आपको ध्यान में रख के ही ये नो एरर को चूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना कि यस सर वी नीड ऑल वीडियोज़ ऑफ दिस टाइप। तो हम और वीडियोस आपके लिए ऐसे लेके आएंगे। ये वीडियोस आपके IBPS एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे IBPS PO, IBPS क्लैरिकल और जो भी इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं। अभी हाल ही में LIC असिस्टेंट का फॉर्म भी निकला इंश्योरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स जितने भी एग्जाम लो लेवल हाई लेवल के हो, इंग्लिश तो आपको याद करके जाना ही है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में सक्सेस देंगे। और इंग्लिश ऐसा सेक्शन है, यहाँ से आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, और यही वो सेक्शन है, यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलनी 100% तय है। देर आर मैनी वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी एंड मेकिंग प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज स्पीच सम स्टूडेंट स्टार्टेड गोस्पिंग। जैसे ही प्रिंसिपल ने अपनी स्पीच स्टार्ट करी, कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने गोस्पिंग करना, बातें करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड नो सूनर के साथ हमेशा जो यूज होता है वो यूज होता है देन। सो इन इन वी देन मिसिंग था। सो नो सूनर डिड द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज स्पीच देन सम स्टूडेंट स्टार्टेड गोस्पिंग। तो सो फ्रेंड्स इट इज देन नॉट देन। नो सूनर के साथ जो यूज होता है वो देन यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, कभी नहीं भूल पाओगे आप। दिस लैपटॉप इज सुपीरियर एंड एक्सपेंसिव देन दैट। तो फ्रेंड्स सुपीरियर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो टू। सो दिस लैपटॉप इज सुपीरियर एंड एक्सपेंसिव टू। सो एरर वॉज इन द डी पार्ट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ डबल फिलर होंगे, कुछ सिंगल फिलर होंगे। डबल फिलर मतलब कि टू ब्लैंक्स होंगे आपको एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी आपके हाई लेवल के एग्जाम होंगे, और लो लेवल के एग्जाम में तो सिंगल फिलर आते हैं। तो मैंने दोनों कवर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रपोजल हैज़ बीन डैश एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल डैश। तो फ्रेंड्स कोई भी प्रपोजल आप क्या करते हो, पहले बनाते हो तो देन उसको अप्रूवल के लिए भेजते हो। जब भी आप कोई प्रपोजल बनाते हो, कभी कोई प्रपोजल लिखते हो, तो आप क्या करते हो, ड्राफ्ट करते हो, ड्राफ्टिंग करती है, जैसे पैटर्न ड्राफ्टिंग, प्रपोजल ड्राफ्टिंग। सो तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द प्रपोजल हैज़ बीन ड्राफ्टेड, पहले वो ड्राफ्ट हुआ एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल अप्रूवल। तो फाइनली उसको अप्रूवल मिलेगी। तो मार्केट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये IBPS PO में भी ये क्वेश्चन आ रखा है इन 2015 में।
ओवर द ईयर्स द टाउन हैज़ डैश पॉपुलैरिटी एज द बेस्ट फॉर पायलट्स एंड पैरा ग्लाइडिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स आपको ये डबल फिलर है, इसको सोल्व करना। तो ओवर द ईयर्स द टाउन हैज़ डैश पॉपुलैरिटी, तो टाउन ने क्या पॉपुलैरिटी को गेन किया है, तो टाउन हैज़ गेन्ड द पॉपुलैरिटी एज द बेस्ट डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड जैसे हम नॉर्मली भी जी पॉइंट बोलते हैं कि दैट प्लेस इज़ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप अगर वीडियोस देखते होंगे, कोई भी एड्स देखते होंगे, तो गुजरात के ऊपर बहुत आता है कि गुजरात का ये वाला प्लेस बहुत बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गुजरात को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए अवार्ड मिल गया है, या हिमाचल में मनाली है वो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पंजाब में गोल्डन टेम्पल बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो फ्रेंड ये डेस्टिनेशन वाला जो वर्ड है बहुत जनरली यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स आपको एक बार फोर जितने भी ऑप्शन दिए उनको एक बार ओरली देखना है कि क्या क्या ऑप्शन है, और जो डेली यूज़ में पॉइंट होते हैं वो सब आपको एक बार माइंड में सेटअप करने, ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और इंग्लिश को आपको पढ़ने की हैबिट है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, सिक्स इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम। सो फ्रेंड्स किसी जगह क्राइम हुआ है तो सिक्स कुछ अलग अलग लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को लिया गया है, तो उनको एज ए विटनेस लिया गया है कि जिन्होंने इस क्राइम को देखा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, विटनेस सी। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज इन द आईटी कंपनी इन बेंगलुरु। तो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये वन फिलर थे जो आपके लो लेवल के एग्जाम जैसे पटवारी वगैरह या फिर क्लैरिकल वगैरह के, जो आपके स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, शी हेल्ड द बैग डैश इवन दो हर आर्म हर्ट। शी हेल्ड द बैग, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा टाइट इवन दो हर आर्म हर्ट बैडली। तो उसने बैग को बिल्कुल टाइट करके पकड़ रखा था, इवन दो हर आर्म जो जो भी उसकी बाजू थी वो हर्ट होगी पूरी तरह से। सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप हमें वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, आप हमें टेलीग्राम इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, हमारी टीम विद इन 24 आवर आपके कमेंट को देखेगी, उसके ऊपर डेफिनेटली जो भी सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।